मैं ना अभी आधे रास्ते में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे देखिए सरसों का कितना सुंदर खेत हो रखा है, पूरे फूल गए हैं सरसों। तो ये देखो एक को तो बांधे मैंने अंदर और दूसरा ये और दी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम आप सभी को मेरा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी मस्त हैं। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत जो है हमारी हो चुकी है और अभी मॉर्निंग के 10 बजे हैं। नाश्ता करके मैं नीचे वाले गौशाले पे आई थी भैंसों को घास देने के लिए और अब देख सकते हो आप मेरे पीठ पे कंडी। तो मैं अभी जा रही हूँ हरी घास लेने के लिए उधर गाँव की तरफ। तो हमारा घर इधर साइड पर है तो गाँव उधर है, तो हमारा खेत भी उधर ही है कुछ। तो अभी मैं जा रही हूँ हरी घास लेने के लिए। तो बाकी घर पे काम लगा हुआ है तो सासू जी वहीं हैं, मिस्टर जी भी घर पे ही हैं, दीदी लोग सब घर पे हैं ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा गौशाले के सामने एक छोटा सा खेत बना रहे हैं तो उसी पे काम चल रहा है अभी। तो कुछ लोग आए हैं गांव के, ससुर जी लोग और सासू जी लोग सब वहीं लगे हैं काम पे। तो सासू जी ने मुझे बोला कि तू हरी घास ले गया, तो मैं जा रही हूँ हरी घास लेने के लिए उधर खेतों में। तो मैं आ गई हूँ अभी सार के इधर पे, तो मुझे ना अभी इससे भी आगे जाना है देखिए इधर साइड। और यहाँ देखिए पूरी हरी हरी घास हो रखी है आजकल, क्योंकि ये ना थोड़ी नमी वाली जगह है तो यहाँ पे हरी घास हो रखी है। तो इससे उधर सूखा एक धार टाइप का है और फिर उससे उधर हो है हरी घास, तो मुझे वहीं जाना है। तो चलिए चलते हैं और देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है। तो रॉकी भी आ रहा था मेरे साथ पर वो अभी पीछे है शायद। तो अभी ना मैंने यहाँ पे घास काट दिया है और ये देखिए मेरी घास की कंडी। तो इसमें जितना घास मेरे को चाहिए था मैंने लगा दिया है और अब जाऊँगी मैं घर को। तो चलिए चलते हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और यहाँ से मुझे जाना है नीचे वाले गौशाले पे और वहाँ से मुझे भैंसों को अंदर बांधना है ना पानी पिला के। तो चलिए और चलते हैं घास ले। तो दोस्तों मैं ना अभी आधे रास्ते में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे देखिए सरसों का कितना सुंदर खेत हो रखा है, पूरे फूल गए हैं सरसों। तो देख सकते हो आप लोग आजकल ना पहाड़ों में सरसों जो है वो पूरा फूल गया है। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है पूरा खेत वहाँ तक और इसके पीले पीले फूल तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखिए। तो मैं पहुंच गई हूँ गौशाले में और देखिए घास की कंडी मैंने रख दी है यहाँ पे और यहाँ ना हमने कुछ सूखी घास भी रखी है। तो अब ना मैं गाय भैंसों को अंदर बांधूँगी। तो चलिए देखते हैं गाय भैंस कहाँ है। तो हाँ अभी वो बाहर ही है, तो एक बार इनको अंदर बांध लेते हैं पानी पिला के। तो ये देखिए गाय भैंस सब इधर है, मतलब भैंस है यार, गाय तो ऊपर के गौशाले में है ना, गाय भी नहीं है बैल है। तो यहाँ पे ना दीदी बना रही है देखो लब्बू के लिए घुंघरू। अब लब्बू इनको पहन के चलेगा। देखो हमारे पहाड़ों में ना ऐसे ही बनाया जाता है, देखो जब बच्चे ना चलने लगते हैं तो उनके लिए ऐसे घुंघरू बनाए जाते हैं काले वाले डोरी पे। तो अभी ना शाम के 3 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी मासू सेरा सूखी घास लेने के लिए। तो ये देखिए मेरी कट्टा और रस्सी और सासू जी जा चुके हैं आगे, तो मैं भी जा रही हूँ। तो मासू सेरा ना काफ़ी नीचे है, आपने पहले देखा होगा हमारे ब्लॉग में। और अभी धूप भी जा चुकी है इधर साइड से उधर साइड है थोड़ी बहुत धूप। तो चलिए चलते हैं और सूखी घास लेके आते हैं गाय भैंसों के लिए। तो सासू जी को देखो यार कितना भाग रहे हैं, मेरे से नहीं भागा जा रहा पर इनको देखो।
ले जाना है हमको घास अभी। तो देखो यहाँ पे ना ये पहले टाइम के कुछ गौशाले हैं, सारे टूट गए क्योंकि जब पहले ये लोग ना यहाँ भी रहा करते थे। ये देखो इनके ऊपर से छत नहीं है, ऐसे ही बंजर पड़ गए पूरे गौशाले। हाँ नीचे पे है देखो भैरव देवता का मंदिर, तो दिख तो नहीं रहा ढंग से, पर यहाँ पे है मंदिर ये। तो बस पहुँचने वाले हैं हम जहाँ से हमको घास ले जाना है। ना घास लेके आ गए हैं और आज यहाँ हमारे भैंसों ने ना आतंक मचा दिया है दौड़ दौड़ के। और दीदी गई है अभी एक लेने, तो ये देखो एक को तो मैंने बांध दिया अंदर और एक को दीदी ला रही है अभी। गो गो तो देखो अभी आएगा दौड़ दौड़ के आ रहा। तो ये देखो एक को तो बांधे मैंने अंदर और दूसरा ये, और दीदी अभी ना आ रहे हैं पीछे। तो ये देखो आज। तो दोस्तों अभी ना मैं आ गई हूँ ऊपर वाले गौशाले पे, और देखो मैंने अभी ना मैंने बैलों को घास दिया है और थोड़ा मैं इधर जा रही हूँ। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पिरूल रखा है ना जंगल की तरफ को, तो उसे मैं बैलों को नीचे बिछाने के लिए ले जाऊँगी। और तो काफ़ी ठंड बढ़ गई है पहाड़ों में, तो इसलिए मैंने परांदे को ना ऐसे बांध रखा है, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब तो हमारे पहाड़ों में बर्फ़ गिरने का टाइम भी आ गया है, तो यहाँ पे से लेके जाऊँगी मैं पिरूल। देखो यहाँ पे हमने पिरूल रखा है पहले का, तो बैलों को नीचे बिछाने के लिए ताकि उनको ना ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड का मौसम है तो बैलों को भी ठंड लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को ना मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपको फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।